तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं हम टी पॉइंट के बारे में। मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारी अफवाहें हैं कि टी पॉइंट का घर ख़राब होता है, नेगेटिव होता है और जो भी इस घर में रहता है वो कभी भी खुशहाल नहीं रह पाता। तो हम आपको बता दें, हमने हमारी जानकारी में बहुत से लोगों को टी पॉइंट के घर हैं जो दिलवाए हैं, जो जिनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, और वो काफ़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग के बाद आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट साउथ। अगर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे आपके घर के सामने टी पॉइंट बन रहा है तो गाइज ये किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं है और ना ही ख़राब है। ये आप इस घर में अगर आपकी कोई डील होने जा रही है, आपको ये घर लेना है तो आप इस घर को ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे परिणाम देता है बाकी घर के मुकाबले। ये टी पॉइंट वाला घर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। आप जो भी काम करेंगे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी या किसी भी तरह का कोई आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होने वाली अगर आप ईशान कोण के टी पॉइंट वाला घर ले लेते हैं तो। और अगर ऑलरेडी आप इसमें रह रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता नॉर्थ ईस्ट के टी पॉइंट वाले घर पे। और अगर कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये घर बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप टी पॉइंट के वहम में ना पड़े कि ख़राब होता है, नेगेटिव होता है, ख़राब होता है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।